पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी पार्टी पे और इत्तेहाद पार्टी ने रात भर कैंपेनिंग की और नॉर्थ कश्मीर के तीन अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा, कुपवारा, बारामूला और कुल मिलाकर 16 सीटें लगातार नॉर्थ कश्मीर की बात की जा रही है। तो दूसरे यहाँ पर वोटिंग होती हुई नजर आई और दूसरे चरण हमने देखा कि पहले और तीसरे के यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा। नॉर्थ कश्मीर की जब बात हो रही तो बांडीपोरा, कुपवारा, बारामूला जमकर पॉलिटिकल पार्टीज ने पसीना बहाया। क्या एनसी, क्या पीडीपी, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हर एक स्तर पर जमकर मतदान की अपील हुई। डोर टू डोर कैंपेन्स हुए, तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, जमकर जो रोड शोज हैं वो निकाले गए। लेकिन यहाँ पर सीटें, 16 सीटें, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो आप देखिए। यहाँ पर झलक रही है कि किसने कितना पसीना बहाया और ये बांडीपुर, कुपवारा और बारामूला क्या आंकड़े आपके सामने। नॉर्थ कश्मीर जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 सीटों पर आगे इस वक्त हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें हैं। जहां पर एग्जिट पोल हमारा गुलिस्तान न्यूज का यह बता रहा है कि बांडीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला में क्या कुछ हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपनी अपनी जगह पर, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिसे सज्जनी लोन साहब डील करते हैं खुद भी मैदान में है और नॉर्थ के लगभग सभी असेंबली सेगमेंट में उनके उम्मीदवार भी थे, नॉर्थ से 2 सीटें उनके खाते में साफ जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी खाता खोल पाएगी नॉर्थ के अंदर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ही पीडीपी को बड़े झटके लगे हैं। नॉर्थ लीडरशिप दीगर पार्टियों में चली गई, कुछ लोग घर वापस भी कर चुके हैं, लेकिन गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल नॉर्थ कश्मीर का कुल मिलाकर जब आप खंगालते हैं तो पता लगता है कि बांडीपोरा, चलिए सबसे पहले हमारे एमसीआर ने बांडीपोरा पर शर्त लगाई कि 3 सीटें वहां पर है, चल कॉन्फ्रेंस के खाते में 2 जाती हैं तो बची 1 सीट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बांडीपोरा की 3 में से 2 नेशनल ले रहा है तो ये 1 सीट कहां पर जा रही है। बिल्कुल, तो पीडीपी की तरफ देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी बांडीपोरा की जो 3 सीटें हैं उनमें से किसी भी एक सीट पर अपना दबदबा नहीं बनाती नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी को यहां पर निराशा हाथ लगी। अगला नंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो राहुल गांधी की जमकर जो चुनाव प्रचार की कश्मीर रैली में, कश्मीर प्रोविंस में रैली हुई, वो यहां पर कुछ खास कमाल करती हुई नजर नहीं आई। आगे बढ़ेंगे, अगला जो पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा है जम्मू कश्मीर, जो अपनी पार्टी है, वो भी यहां पर कुछ खास कमाल नहीं करती नजर आ रही है। यहां पर भी उनके हाथ झोली में कुछ नहीं लगा। आवामी इत्यादि पार्टी इंजीनियर रशीद का यहां पर निकलकर बाहर आना, चुनाव से पहले जमकर प्रचार करना, बांडीपोरा में कोई कमाल नहीं कर पाया। लेकिन जब नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी जरूर है। बीजेपी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बांडीपोरा की 3 सीटों पर भी काम किया, तमाम कार्यकर्ता लगे रहे।